सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइस, यार लीजिए, एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों को लेकर पटना के जेपी गंगा पाथवे के ऊपर। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, अभी मैं हूं ठीक गांधी सेतु के नीचे। वैसे गाइस, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, ये जो जेपी गंगा पाथवे है इसका सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। और करंट में मैं आपको बताऊँ तो अभी आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर अभी ब्लैक टॉप की लेयर बिछाने का काम स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, यहाँ इतना ही नहीं, काफी सारा काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो गाइस चलिए, फिर क्या कुछ काम चल रहा है यहाँ और कितना काम कंप्लीट हो चुका है और क्या कुछ अभी यहाँ पर होना बाकी है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस, एक अपडेट मैं और आपको बता दूँ कि जो 15 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन की बात चल रही है, तो लगभग यहाँ सारे लोग का भी यही कहना है कि 15 तक इसकी इनॉग्रेशन कर दी जाएगी। तो गाइस चलिए, फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ यहाँ काम अभी बचा हुआ है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना और उसके आसपास के ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, ये रहा सामने गायघाट रोड, जिसे होकर आप आगे अशोक राजपथ की तरफ निकल जाएंगे या फिर जेपी गंगा पाथवे पर जाने के लिए उधर से होकर यहाँ गायघाट के पास दी जा रही कनेक्टिविटी के थ्रू सीधा इस गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर चले आएंगे। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी इसी रास्ते से ही आना जाना करना होगा। और आप देख सकते हैं, अब तो यहाँ इस अप्रोच रोड की ढलाई का काम भी ऑलमोस्ट फाइनली होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है पटना वासियों के लिए। बस अब कुछ दिनों के बाद ही आप अपनी गाड़ियाँ दौड़ा पाएंगे इस शानदार से गंगा पाथवे पर। वैसे अभी फिलहाल इस अप्रोच रोड पर पिचिंग का काम चल रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज, बस अब आप समझ लीजिए कि दीघा से लेकर सीधा यहाँ गायघाट तक आने के लिए आपको अशोक राजपथ वाली जाम का सामना नहीं करना होगा। कुछ ही मिनटों में आप दीघा से इधर गायघाट तक बड़े ही आसानी से पहुँच जाएंगे और आगे इसी रोड से होकर बिस्कुमान गोलंबर पर चढ़कर सीधा गांधी सेतु पर चले आएंगे। यानी गाइज, दीघा से गायघाट और गायघाट से गांधी सेतु होकर हाजीपुर पहुँचना बहुत आसान होने वाला है। और गाइज, सामने आप देख सकते हैं वो रहा गांधी सेतु के नीचे जेपी गंगा पाथवे और इसके ठीक नीचे अंडरपास, जिससे होकर आप गायघाट की तरफ जा सकते हैं। तो गाइज, आइए एक बार फिर से मैं आपको इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर लेकर चलता हूं और अभी क्या अपडेट है इसकी वो भी आप सभी को दिखा देता हूं। तो गाइज लीजिए, मैं आ चुका हूँ इस जेपी गंगा पाथवे के ऊपर और यहाँ से भी आप इसके अप्रोच रोड और गंगा पाथवे के काम को देख सकते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस वाली लेन से ही अभी गाड़ियों का आना जाना होगा। एक्चुअली पीएमसीएच से लेकर आई थिंक राजा घाट तक गाड़ियाँ दोनों लेन पर चलेंगी और फिर शायद वहाँ के बाद से गाड़ियों को एक लेन से होकर आना होगा, जैसा अभी आप पीएमसीएच के पास देखते हैं। और गाइज, इधर इस वाली लेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इस्तेमाल यहाँ से आगे दी जा रही कनेक्टिविटी को पूरा करने में किया जाएगा, जो कि आगे भद्र घाट से होते हुए नौजर घाट तक तैयार करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दिनों में ही इस ब्रिज के डिवाइडर और साइड बैरियर को तैयार कर लिया गया है और अब इसके ऊपर ब्लैक टॉप की लेयर बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज, ये रहा अपना गांधी सेतु ब्रिज और ठीक इसके नीचे से क्रॉस कर रहा ये गंगा एक्सप्रेसवे, और कितना खूबसूरत व्यू है इसका, मजा तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी गाइज, यहाँ काम की बात करूँ तो अभी इस डिवाइडर के ज्वाइंट को यहाँ जोड़ा जाना है। इसके अलावा इधर साइकिल या पैदल चलने वाले लोगों के लिए ट्रैक को भी तैयार किया जाना है, साथ ही साइड वॉल भी बनाना बाकी है। और इसके अलावा ब्लैक टॉप की लेयर और आखिर में पेंटिंग का काम यहाँ किया जाएगा, और ये सब काम आपको आई थिंक एक वीक के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आइए अब मैं आपको इस जेपी गंगा पाथवे के चल रहे काम को ड्रोन शॉट के थ्रू भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इस काम को अभी पूरा होने में और कितना टाइम लगने वाला है। वैसे आप सभी को पता ही है कि 15 अगस्त 2023 तक इसकी इनॉग्रेशन की डेट रखी गई है, तो 15 अगस्त से पहले तक इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा इस जेपी गंगा पाथवे का ड्रोन शॉट। और गाइज, इस ड्रोन शॉट के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो ये रहा इस जेपी गंगा पाथवे पर आने जाने के लिए तैयार किया जा रहा अप्रोच रोड, जिस पर ब्लैक टॉप का काम अभी आपको होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। वहीं इस तरफ ये रहा अपना पटना का मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पाथवे, जिसका काम आप यहाँ लगभग कम्प्लीट देख पा रहे होंगे।
और गाइस यहाँ इस जेपी गंगा पाथवे के अलावा इस गांधी सेतु के पैरेलल जो न्यू गांधी सेतु ब्रिज बनाने का काम चल रहा है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस न्यू एमजी सेतु का भी काम काफी स्पीड में पूरा किया जा रहा है। आपको इस पर भी मैं कई बार अपडेट दिखा चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ अभी इसके पिलर को तैयार करने का काम चल रहा है। वहीं अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो इधर गाय घाट की तरफ आपको कई सारे पिलर के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो खैर गाइस बात करूं इस जेपी गंगा पाथवे की तो बस अब कुछ दिनों का इंतजार रह गया है। फिर तो आप दीघा के जेपी सेतु से लेकर यहां गायघाट गांधी सेतु तक की यात्रा पटना के इस शानदार कॉरिडोर के थ्रू कर पाएंगे, वो भी कुछ मिनटों में ही। और गाइस यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जेपी गंगा पाथवे के सेकेंड फेज का काम पीएमसीएच से लेकर यहां गायघाट तक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है और 15 अगस्त 2023 तक इसकी इनॉग्रेशन भी कर दी जाएगी। वहीं बात करूं यहां से आगे की तो गायघाट से लेकर आगे भद्रघाट होते हुए नौजर घाट तक का जो काम है वो नवयुगा कंपनी को ही करना है और नौजर घाट से लेकर आगे कंगन घाट तक का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिस पर मैं एक दो वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे उधर की भी अपडेट आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो गाइज फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ पीएमसीएच से लेकर गायघाट तक तैयार किए जा रहे पटना के जेपी गंगा पाथवे का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और उसके आसपास के ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।